हेलो एवरीवन, नमस्कार, जय हिंद। दोस्तों, मेरा नाम है अनुराग शर्मा और माई पाठशाला पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, एमटीएस 2024 का नोटिफिकेशन आउट हो चुका है। बहुत अच्छी वैकेंसीज यहां पे देखने को मिल रही हैं और पूरी की पूरी जानकारी इस वीडियो में मैं आपको एमटीएस के बारे में देने वाला हूं। ठीक है, तो चलिए अपनी वीडियो को शुरू करते हैं और पूरी जानकारी रहेगी इसमें एक एक चीज। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज अभी चल रही है एसएससी में, वो है लाइव फोटो कैप्चर। उस पर भी मैं आपको डिटेल में बताऊंगा कि इस बार क्या चेंजेस उसने। हर बार जो नोटिफिकेशन देखने को मिल रहा है एसएससी का, बहुत ज्यादा जोर है लाइव फोटो कैप्चर पे कि आप उसमें कोई गलती मत करना। ठीक है, तो नोटिफिकेशन आउट हुआ है, इस वीडियो के थ्रू पूरी जानकारी मैं आपको दूंगा। ठीक है, योग्यता, सिलेबस, एग्जाम पैटर्न, सैलरी और जो सरमा सिलेक्शन प्रोसीजर है, पूरी जानकारी रहेगी। वीडियो में बने रहो तो बहुत इंपॉर्टेंट आपके रहने वाला है। सबसे पहले जानते हैं कि एमटीएस है क्या। ठीक है, जो एमटीएस मल्टीटास्किंग स्टाफ है, ये एसएससी द्वारा कंडक्ट कराया जाने वाला एक एग्जाम है जो हमारे वेरियस गवर्नमेंट जो है ऑफिस होते हैं, गवर्नमेंट के डिपार्टमेंट है, मिनिस्ट्रीज है, बहुत सारी हमारी जो जितनी मिनिस्ट्री है, होम मिनिस्ट्री वगैरह सारी, वहां पर जो मल्टीटास्किंग स्टाफ का रिक्रूटमेंट है वो इस जो हमारा एमटीएस जो एग्जाम के थ्रू होता है। ठीक है, मतलब कहने का मतलब क्या है, जो हमारे वहां पर जो ऑफिसर्स होने वाले हैं उनके पर्सनल असिस्टेंट के तौर पे ये लोग काम करते हैं। ठीक है, आपका जो इसमें काम रहेगा। तो क्वालिफिकेशन क्या है इसमें, केवल 10th पास या फिर उसके इक्विवेलेंट आपने कोई क्वालिफिकेशन ले रखी हो। ठीक है, अब हम यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट चीज अपनी जानते हैं, वो क्या है हमारा जो कि यहाँ पर पोस्ट कौन कौन सी हैं। दो पोस्ट हैं, मल्टीटास्किंग स्टाफ नॉन टेक्निकल। साल 2024 में इस बार इसमें कितनी वैकेंसी देखने को मिल रही है, 4887 है ना, 4887 जो है वैकेंसी देखने को मिल रही, बहुत अच्छी वैकेंसी है। और हवलदार की बात करें, दो पोस्ट हैं, हवलदार, हवलदार में कितनी मिल रही है, 3439। ठीक है, बहुत अच्छी वैकेंसी है साल 2024 में, बहुत अच्छा जो है आपके पास अपॉर्चुनिटी है यहाँ पर जॉब लेने की। ठीक है, दो तरीके की हमारी पोस्ट होती है, एमटीएस नॉन टेक्निकल और हवलदार, 4887 इसमें वैकेंसी और 3439। ठीक है, जो हमारा सैलरी होती है इसमें लेवल वन होती है, ग्रेड पे जो होता है वो 1800 ग्रेड पे होता है। तो यहाँ पर जो सैलरी इनकी बनेगी अभी के हिसाब से 7th के कमीशन के बाद करीब करीब 30,000 या उससे भी ऊपर यहाँ पर सैलरी देखने को इनकी मिल सकती है। ठीक है, बहुत अच्छी वैकेंसी है, बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है। पूरी जानकारी जरा देख लेते हैं क्या क्या है क्रूशियल डेट। ठीक है, जो सबमिशन की, ऑनलाइन सबमिशन की जो डेट है वो 27 है ना, 27 जून से लेकर के 31 जुलाई तक देखने को मिल रही है। काफी टाइम है, आप आराम से बढ़ सकते हो, लेकिन बहुत लेट भी मत करना। ठीक है, अब आप सबसे अच्छा टाइम कौन सा बनने का रहेगा वो मैं कहूंगा 1 से 10 जुलाई के बीच में आप भर लेना। ठीक है, अभी देखो, रुको, क्योंकि लाइव फोटो कैप्चर में बहुत दिक्कतें हो रही हैं, पहले उसके बारे में और जानकारी जुटा लो, है ना। मैं पूरा अभी जानकारी दूंगा इस वीडियो में, लेकिन आप और थोड़ी जानकारी जुटा लो कि आपका गलत ना हो जाए, क्योंकि उसकी वजह से फॉर्म रिजेक्ट हो रहे, सिलेक्शन पोस्ट में हुए, सीएचएसएल में हुए, आपका नहीं होना चाहिए। अब एमटीएस और सीजीएल में फॉर्म रिजेक्ट नहीं करने, ठीक है, करवाने हमें। ठीक है, लास्ट डेट जो है यहाँ पर 31 हो गई। ठीक है, और ऑनलाइन पेमेंट की लास्ट डेट 1 अगस्त हो जाएगी, है ना, एक दिन आगे तक रहता है ऑनलाइन पेमेंट। और करेक्शन की जो विंडो है वो 16 अगस्त से लेकर 17 अगस्त यानी 16 और 17 अगस्त को करेक्शन विंडो भी ओपन की जाएगी, वहां पे आप करेक्शन कर पाओगे जो भी अगर आपकी कमी है तो। ठीक है, शेड्यूल ऑफ एग्जामिनेशन जो रहेगा वो अक्टूबर नवंबर में एग्जाम होने वाला है। ठीक है, अक्टूबर नवंबर में एग्जाम होने वाला है। टोल फ्री नंबर भी यहाँ पे दिया है, अगर आपको कोई प्रॉब्लम आ रही है फॉर्म भरने में तो। ठीक है, ये टोल फ्री नंबर पे आप कॉल कर सकते हो, ध्यान से देख लेना सब चीज। प्रॉब्लम आ रही है लाइव फोटो कैप्चर में, उसके अलावा नहीं आ रही है, उसमें पूरी जानकारी आगे दूंगा वीडियो में। ठीक है, जो सारे इंस्ट्रक्शन अभी एमटीएस के नोटिफिकेशन में लिखे हैं वो सारे दूंगा। क्रूशियल डेट की बात कर ले तो एज लिमिट होनी चाहिए, कब काउंट होगी आपकी, 1 अगस्त 2024 को। ठीक है, 1 अगस्त 2024 को आप एज लिमिट के अंदर हो तो अच्छी बात है, अगर आप एक्सीड कर रहे हो तो आप बाहर हो। ठीक है, ठीक है, जहां पर 18 से 25 जो है एज मांगी गई है तो वहां पर आपका जो है 2 अगस्त से पहले, 2 अगस्त 99 से पहले ना हो आपका जन्म, उसके बाद हो। ठीक है, ये चीज क्लियर है। और SC ST OBC है ना, SC ST के लिए 5 साल का रिलैक्सेशन होता है, OBC के लिए 3 साल का, ठीक है ना। और अगर आप फिजिकली हैंडीकैप तो वहां पर 10 साल का रिलैक्सेशन आपको देखने को मिलता है। ये रिलैक्सेशन हमारे हो गए एज में। ठीक है, चलो, तो ये जनरल कैटेगरी के लिए बोला जाता है यहाँ पे, ये जो एज लिमिट एग्जैक्टली दी है 18 से 25 और 18 से 27, ये जनरल कैटेगरी के लिए होती है। ठीक है, चलो, अब हम बात करें क्वालिफिकेशन, जो आपका 10th पास है ना, या उसके इक्विवेलेंट जो भी क्वालिफिकेशन है, वो भी आपकी 1 अगस्त से पहले पहले आपके हाथ में होनी चाहिए, उसकी जो है आपका मार्कशीट, उसके आपका क्लियर होना चाहिए 1 अगस्त से पहले पहले,
ये इंपॉर्टेंट जो है 1 अगस्त सबसे क्रूशियल डेट है इसकी। अब हम आगे बात करें नेक्स्ट, तो स्कीम ऑफ एग्जामिनेशन की बात कर लेते हैं कि स्कीम में क्या होने, मतलब एग्जाम में क्या होने वाला है, कैसे एग्जाम कंडक्ट होने वाला है। ठीक है, कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम रहेगा, एक ही एग्जाम है। ठीक है, और कोई ऐसा पेपर नहीं है जो एक एग्जाम के थ्रू आपको इतनी जल्दी नौकरी दे दे। एक एग्जाम होने वाला है, वो भी क्या होने वाला है मैं आपको बताता हूं। ठीक है, ये देखो यहां पे पहला जो सेशन रहेगा, अब बहुत ध्यान से समझना, पहला सेशन स्टार्ट हुआ, आप एग्जाम देने गए, एक ही दिन का एग्जाम है, पहला सेशन स्टार्ट हुआ। ठीक है, तो वहां पर क्या है, वहां पर है 45 मिनट का ये रहेगा, 45 मिनट में आपको 20 क्वेश्चन मैथ के, ठीक है, एक क्वेश्चन 3 नंबर का, तो टोटल 60 नंबर हो गए। ठीक है, देखो यहां पे लिखा नंबर ऑफ क्वेश्चन और मार्क्स, ऐसे ही रीजनिंग के 20 क्वेश्चन कितने नंबर हो गए, 60। ठीक है, टोटल इनका कितना हो गया, 120 नंबर। ठीक है, इस ये 120, लेकिन ये पहला पेपर क्या है, क्वालिफाइंग है। ठीक है, ये पहला क्या है, क्वालिफाइंग है, आपको इसको बस क्वालिफाई करना है। अगर जनरल कैटेगरी की बात करूं मैं, जनरल कैटेगरी को इसमें करीब करीब 30% मार्क्स लाने होते हैं, 30% मार्क्स लाने की बात करूं तो जनरल कैटेगरी में 36 मार्क्स से ऊपर आपके आ रहे हैं तो आप क्लियर कर रहे हो। ठीक है, उसी तरह ओबीसी के लिए और एससी एसटी के लिए और भी कम कट ऑफ रहती है इसकी, तो मुझे नहीं लगता इसमें किसी को भी कोई प्रॉब्लम आएगी, है ना। क्या आप 45 मिनट में, ठीक है, अगर 15 क्वेश्चन भी सही कराए, 15 × 3 = 45, बात खत्म, है ना। तो आप रीजनिंग और एप्टीट्यूड की कोई टेंशन ही नहीं है, आप इजीली कर लोगे, कोई भी बच्चा कर लेगा, थोड़ा भी मैथ रीजनिंग पढ़ा है तो यहां पर कभी भी वो फेल नहीं हो सकता। पहले सेक्शन में सबकी कट ऑफ निकलेगी, मुझे नहीं लगता कोई भी ऐसा जो तैयारी कर रहा है वो यहां पर फेल होने वाला है, तो इसकी तो कोई टेंशन नहीं। 30% के आसपास जनरल की कट ऑफ रहेगी, बाकी ओबीसी और एससी एसटी के लिए उससे भी नीचे, है ना। अब जो मेरिट लगेगी वो यहां से लगेगी। ठीक है, ये जो देखो पहला घंटे, पहला 45 मिनट में ही हुआ, अब ये बंद हो जाएगा आपका और सीधे ये शुरू हो जाएगा, सीधे अगला सेक्शन शुरू हो जाएगा। अगला सेशन जो है उसमें जनरल अवेयरनेस है, जनरल अवेयरनेस के 25 क्वेश्चन 3 नंबर का, एक तो 75 नंबर। ठीक है, और फिर उसके बाद इंग्लिश के 25 क्वेश्चन है, 3 नंबर का एक, 75 नंबर, तो 75 75 कितना हुआ, 150। ठीक है, इसमें से लगेगी मेरिट। ऊपर वाला क्वालिफाइंग था, ऊपर वाला क्या था, क्वालिफाइंग, इसमें से लगेगी मेरिट जीएस और इंग्लिश। तो जीएस और इंग्लिश आपको अच्छे से पढ़ना है और यहीं से मेरिट आपकी लगने वाली है। ठीक है, देखो यहां पे साफ साफ लिखा है कि देखो जो मैंने अभी बोला 45 मिनट मिलेगा, पहला सेशन कंप्लीट होते ही ऑटोमेटिकली ये बंद हो जाएगा और ऑटोमेटिकली दूसरा शुरू हो जाएगा आपका सेशन, मतलब पहला 45 मिनट के बाद ये तुरंत उसके बाद शुरू हो जाएगा, ये क्वालिफाइंग है और यहीं से आपकी मेरिट लगनी है। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट जानकारी हुई। अब ये देख लो पूरा सिलेबस है, इस सिलेबस का पूरा आप स्क्रीनशॉट लेके रख सकते हो, है ना, ये मैथ का और रीजनिंग का ये सिलेबस पूरा। ठीक है, ठीक है, और जनरल अवेयरनेस का और इंग्लिश का देखो बहुत ही ज्यादा बेसिक सिलेबस है जो हमेशा होता है। ब्रॉड कवरेज ऑफ द टेस्ट विल बी ऑन सोशल स्टडीज, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, आर्ट एंड कल्चर, है ना, जनरल साइंस, एनवायरमेंट, सब 10th स्टैंडर्ड तक का साफ साफ लिखा, 10th स्टैंडर्ड से ऊपर नहीं। ठीक है, इंग्लिश में भी इसी तरह, बाकी हमारी सारी वोकैब, ग्रामर, पैसेज, ग्लोस्टर, सब कुछ यहाँ पे देखने को मिलेगा। ठीक है, अब अगर मैं बात करूँ तो जो हवलदार की पोस्ट होती है ना, एमटीएस में तो कोई फिजिकल स्टैंडर्ड नहीं मांगते, लेकिन जो हवलदार की पोस्ट है ना, हवलदार वाली जो पोस्ट है वहां पर आपको जाहिर सी बात है कि फिजिकल स्टैंडर्ड भी मांगा जाता है। और फिजिकल स्टैंडर्ड किस तरह से है, ठीक है, अगर सीबीआईसी में बात करें तो वहां पर तो आपको जो है 1600 मीटर 15 मिनट में चल के दिखाना होगा, है ना, 1600 मीटर 15 मिनट में चल के दिखाना होगा। और यहाँ पर बात करें तो सीबीआईसी और सीबीएन में जो मिनिमम ये फिजिकल टेस्ट होता है, तो यहाँ पे देखो फिजिकल टेस्ट में क्या क्या रिक्वायरमेंट है फिजिकल की आपकी। ठीक है, आपकी हाइट होनी चाहिए, मेल की बात करें तो, मेल में बात करें तो आपकी हाइट होनी चाहिए 157, चेस्ट होना चाहिए 81, फुली एक्सपेंडेड, है ना, विद मिनिमम एक्सपेंशन ऑफ 5 सेंटीमीटर, चेस्ट आपका 81 का होना चाहिए और हाइट होनी चाहिए 157.5। और फीमेल की बात करें तो उनकी हाइट होनी चाहिए 152 और वेट जो होना चाहिए 48 kg होना चाहिए। ठीक है, 48 kg होना चाहिए। चलो आगे बात करेंगे हम, ये सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट पे हम आ गए, वो है लाइव फोटो कैप्चर। लाइव फोटो कैप्चर के इंस्ट्रक्शंस
बहुत ज़्यादा जो है नए नए इंस्ट्रक्शन भी ऐड कर रही है एसएससी, चाहती है आप जो है इस पर बहुत ज़्यादा फोकस करो, इसमें कोई गलती ना करो। सारे इंस्ट्रक्शन में आपको एक बार में बता देता हूँ, लाइट जो है बहुत अच्छी होनी चाहिए आपकी, और जो है बैकग्राउंड बिल्कुल सिंपल होना चाहिए, प्लेन बैकग्राउंड होना चाहिए, पीछे कुछ भी ना हो, ठीक है। और यहाँ पे कैमरा आपके आई लेवल में हो और आप सीधे कैमरा में देख रहे हो, ठीक है, आपके सामने बिल्कुल होना चाहिए, ऊपर नीचे नहीं, आई लेवल में, ठीक है, और आप अपने बिल्कुल सामने हो कैमरा के। ये इंस्ट्रक्शन हुए। अब उसके बाद क्या कह रहा है कि एक रेक्टेंगुलर बॉक्स है, एक रेक्टेंगुलर बॉक्स ऐसे लाल का बना आएगा, उसके अंदर आपका चेहरा पूरी तरह आना चाहिए, उसके अंदर आप ये रहे, उसके अंदर आपका चेहरा पूरी तरह आना चाहिए। और मैं ये भी कहूँगा कि आपके कंधे भी आ जाएं तो बिल्कुल सही है, ठीक है, इसके अंदर इतना पार्ट आपका जरूर आना चाहिए, है ना, साफ साफ लिखा हुआ है देखो यहाँ पे, है ना, और ना बहुत क्लोज हो ना बहुत फार हो, इस रेक्टेंगुलर एरिया के अंदर आप आओ, है ना। और क्या है कि इट शुड कवर द एरिया फुली एंड नो पार्ट ऑफ द फेस शुड बी आउटसाइड, बिल्कुल बाहर ना हो, ऐसा नहीं है कि आपके यहाँ से कान बाहर निकल लें, यहाँ से बाहर निकल लो, है ना, इसके अंदर आओगे तो बिल्कुल सही फोटो आएगा, ठीक है। उसके बाद ये कह रहा है कि ये सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है, यहाँ पे सबसे ज्यादा गलती होती है बच्चों से कि कैप ना पहनी हो आपने कोई, मास्क ना लगाया हो, ठीक है, अगर आप चश्मा लगाते हो तो उतार करके उसको फोटो लेना है, बहुत इंपॉर्टेंट है, अगर नजर का चश्मा लगाते हो, स्पेक्स लगाते हो तो उतार करके लेना है, ठीक है, उतारना है इसको। और एक इंपॉर्टेंट जो अभी MTS वाले में इन्होंने ऐड किया है वो है ईयरफोन भी ना लगा रखे हो, ये नहीं कि आपने ईयरफोन लगा रखे हो, ईयरफोन नहीं लगाने हैं, ठीक है, ये सनग्लासेस नहीं लगाने हैं, कोई स्पेक्टेकल्स नहीं लगाने, गॉगल वोगल कुछ नहीं, कैप नहीं, मास्क नहीं, कुछ नहीं, ठीक है। और यहां पर ये दिया गया है कि पहले से फोटो अगर आपके पास है उस फोटो का फोटो नहीं खींचना है, कुछ बच्चे ये भी करते हैं कि फोटो का फोटो खींच करके वहां पे डालना है, ये नहीं करना है बिल्कुल भी किसी हाल में, ठीक है। सिग्नेचर की मैं बात करूं तो सिग्नेचर के लिए भी इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शन है, उन्होंने साफ साफ यहाँ पे दिए इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शन, 10 से 20 KB का होना चाहिए JPG फॉर्मेट में, ठीक है, इमेज डायमेंशन 6 सेंटीमीटर की विड्थ और 2 सेंटीमीटर की हाइट, है ना, 2 सेंटीमीटर की हाइट। और उन्होंने क्या दिया, ब्लर होगा, अगर मिनिएचर ब्लर थोड़ा ब्लर होगा गंदा होगा तो रिजेक्ट हो जाएगा, ठीक है। हॉरिजॉन्टली अलाइन होना चाहिए, मतलब हॉरिजॉन्टली अलाइन होना चाहिए, आपने इस तरह से सिग्नेचर किया हो इस तरह से मत करना, ठीक है, ऊपर की तरफ ऐसे हॉरिजॉन्टली होना चाहिए। और एक इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शन यहाँ पे क्या दी उन्होंने SSC ने अभी कि थंब इंप्रेशन मत अपना कर देना, ये MTS में दिए अभी 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 देख करके आ रहा हूं, इसको वहीं से लेके आया हूं, अपना थंब इंप्रेशन अपलोड मत कर देना सिग्नेचर के साथ, ठीक है, डू नॉट अपलोड थंब इंप्रेशन, सिग्नेचर करना है, थंब इंप्रेशन नहीं करना है, ठीक है। तो ये सारी जानकारी थी MTS के बारे में, MTS 2024 में बहुत अच्छी वैकेंसी देखने को मिल रही है, मैं उम्मीद करता हूँ अपनी पूरी जान लगा दोगे इस बार और 2024 में आप लोग नौकरी लगोगे, ठीक है। और आपको कोई भी क्वेरी करनी है, ठीक है, तो आप इस नंबर पे हमें कॉल कर सकते हो, आपकी क्वेरी जो है दूर की जाएगी। मैथ का लाइव बैच आ रहा है और हर सब्जेक्ट का हमारा लाइव बैच आ रहा है, ठीक है, माई पाठशाला ऐप पर ही, ठीक है, 1 जुलाई से शुरू होने वाला है। उस लाइव बैच में एनरोल करने के लिए आप अभी एनरोल करोगे तो 99 रुपीज का पड़ जाएगा, ठीक है, केवल 99 का अभी डिस्काउंट में। और दूसरी बात, लाइव बैच स्टार्ट हो रहा है SSC CGL के लिए यूट्यूब पर ही हमारा स्पार्टन बैच, ठीक है, स्पार्टन बैच का लाइव बैच का मतलब क्या है, यहाँ पर यूट्यूब पर ही 7 बजे मेरी क्लास रहेगी मैथ की, जहाँ पर हम मैथ में अरिथमेटिक के 500 प्लस क्वेश्चन करेंगे और एडवांस के 500 प्लस क्वेश्चन करेंगे और उसके बाद हम मॉक टेस्ट भी करेंगे। तो यूट्यूब पर ही पूरी मेहनत करेंगे SSC CGL तक। अगर आपको मैथ अपना अच्छा करना है तो आप मेरे साथ वहाँ पर जुड़ सकते हो और अपनी मैथ में जो है बहुत अच्छा स्कोर अपना लेकर जा सकते हो SSC CGL एग्जाम के अंदर, ठीक है। तो अब मैं अनुराग शर्मा आप लोगों से विदा लेता हूँ, नमस्कार, जय हिंद।